हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रीमान इंटीग्रल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और बहुत ही आसान तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उसको हम कराते हैं स्टूडेंट्स, पूरे समझा के डिटेल में हर एक क्वेश्चन को कराते हैं। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको इस तरह से समझ में आ जाएंगे कि आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। स्टूडेंट्स, बस यही हमारी ताकत है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ़ एफ वन इज़ रीमान इंटीग्रेबल, अगर एफ वन कोई रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, देन ए टू बी एफ वन डी एक्स प्लस बी टू सी एफ वन डी एक्स। देखिए, अगर एफ वन रीमान इंटीग्रेबल है और ए टू बी और बाकी सम, देखिए अंदर का तो सेम है, अंदर तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो ए टू बी और बी टू सी अगर है तो इसका मतलब ये ऐसे है, ए से बी और बी से सी, तो इसका मतलब b वाले को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो इसको इंटीग्रैंड लिमिट जो है वो a से c लिखी जा सकती है, a टू c f1 dx, फ्रॉम a टू c f1 dx प्लस c। इसका मतलब हमारा a ऑप्शन सही होगा, a टू b नहीं होगा, a टू b तो इसमें ही दिया हुआ था, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, a टू b f1 dx ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा a ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप समझना चाहते हैं तो हम पूरे अच्छी तरीके से समझाते हैं, आप लगातार बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, इफ द पार्टीशन P1 P2 बिलोंग्स टू AB, मतलब AB इंटरवल के दो पार्टीशन हमने किए हैं P1 और P2, देन P1 यूनियन P2, P1 यूनियन P2 इज क्या कहलाता है, P1 यूनियन P2, दिस इज कॉल्ड द कॉमन रिफाइनमेंट। ठीक है ना, ये कॉमन चीज़ है क्योंकि दोनों लिए हुए इसमें P1 और P2, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन रिफाइनमेंट। ये P1 P2 बिलोंग्स टू ए बी, देन P1 यूनियन P2 इज कॉमन रिफाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच इज़ द ट्रू स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है ऑन ए बी, देन मोड एफ इज ऑल्सो रीमान इंटीग्रेबल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मोड एफ इज़ नॉट रिमान इंटीग्रेबल, जब एफ रिमान इंटीग्रेबल है और मोड एफ इज ऑल्सो रिमान इंटीग्रेबल, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। देखिए, अगर एफ रिमान इंटीग्रेबल है तो मोड एफ भी रिमान इंटीग्रेबल होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ये हमने वीडियो बनाई हुई है, उसमें समझाया हुआ है, आपको देखना चाहिए जरूर वो वीडियो में, हमने उसमें एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल भी लेके बताया हुआ है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, कि उसमें डिफाइन किया हुआ था एफ एक्स एक फंक्शन, इसने इस तरह से लिया है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये माइनस वन और प्लस वन है, ये एक्स इज इरेशनल के लिए है और ये एक्स इज रेशनल के लिए है, इस तरह से इसने बताए हुए हैं। लेकिन जब ये एफ एक्स एक फंक्शन है ये, और दूसरा फंक्शन है ये एफ एक्स, लेकिन जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई जो है इनकी वन आ जाती है, मोड एफ एक्स वन आ जाता है इनका, और तब ये इंटीग्रेबल हो जाता है फंक्शन। तो मोड एफ एक्स इंटीग्रल, तो मोड तो इंटीग्रल है, देखो इंटीग्रेबल है, रिमान इंटीग्रेबल, लेकिन अलग अलग फंक्शन एफ एक्स जो है वो रिमान इंटीग्रेबल नहीं है, तो कन्वर्स तो ट्रू नहीं होता है। तो एफ अगर रिमान इंटीग्रेबल है, एफ इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, देन मोड एफ इज ऑल्सो रिमान इंटीग्रेबल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि अगर एफ एक्स मोड एफ एक्स रिमान इंटीग्रेबल है तो जरूरी नहीं है कि एफ रिमान इंटीग्रेबल हो। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन दोनों रॉन्ग है तीनों। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज रिमान इंटीग्रेबल इन ए बी, एक बाउंडेड फंक्शन एफ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है इन ए बी, ए बी में रिमान इंटीग्रेबल है बाउंडेड फंक्शन, इफ द सेट ऑफ इट्स पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं इस एम्प्टी सेट, यानी कि कहीं डिसकंटिन्यूस ही नहीं है, अगर कहीं डिसकंटिन्यूस है तो वो रिमान इंटीग्रेबल होता है, याद रखिए स्टूडेंट्स। इस फाइनाइट, अगर डिसकंटिन्यूटी के जो पॉइंट्स हैं वो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स आर फाइनाइट, अगर वो फाइनाइट में हैं तो फिर तो वो रिमान इंटीग्रेबल होता है, ये थ्योरम है, ये हमने उसमें समझाई हुई है, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं इस रिमान इंटीग्रेबल पर। और हैज़ ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स,
हैज़ ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं तो भी रिमांडेबल होता है। तो इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन हमारे तो करेक्ट हो गए, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन वैसे मैंने वीडियो में समझाया हुआ है फुल आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा स्क्रीन छोटी है, थोड़ा समझने में आपको समस्या आएगी, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। हमें थोड़ा सा साफ भी करना पड़ेगा, अगर उतारना चाहें तो आप उतार भी लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए साथ साथ स्क्रीन रोक के आपको उतार लेना है एक बार। इसमें ये कहता है इफ़ एफ एक्स बी बाउंडेड, एफ एक्स बाउंडेड फंक्शन है ऑन द इंटरवल 0 to 0 to पर इसने बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ है। चलो ठीक है, एफ जो है फंक्शन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर है वैन एक्स इज रेशनल एंड एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यू वैन एक्स इज इरेशनल। जब रेशनल है तो एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर है, इरेशनल है तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब है। देन द अपर रिमाइंड इंटीग्रल ऑन 0 to अपर रिमाइंड इंटीग्रल हम निकालना चाहते हैं, तो मैं स्टूडेंट्स बताता हूँ आपको किस प्रकार से। देखिए एक बार मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये ध्यान रखना, ये हम इसमें हम एक्स ये निकाल के देखते हैं एक बार, एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, एक बार ये वैल्यू निकाल के देखिए आप। जब हम इस वैल्यू को निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्स और वन माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ गए होंगे आप। तो इसका मतलब है ये वैल्यू कब, अगर ये वैल्यू एक्स की वैल्यू इसमें देखिए हम, अगर एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लेते हैं, अगर एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लेते हैं तो ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वेयर जो है और भी कम हो जाएगा, जैसे 0.5 का स्क्वेयर तो 0.25 और भी कम हो जाता है, 0.6 का 0.36 और भी कम हो जाता है, 1 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा और इसमें मल्टीप्लाई करके इस तरह से ये पॉजिटिव ही नंबर होगा, यानी कि ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर है 0 to 1 के बीच। अच्छा अगर हम 1 to 2 के बीच में लेते हैं नंबर, समझना इसको, अगर 1 to 2 के बीच में लेते हैं, अगर ये 1 to 2 के बीच में लिया हमने तो 1 to 2 के बीच में देखिए इसमें रख के देखिए आप, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये लेस देन 0 होगी ये वैल्यू, ये वैल्यू 0, ये जो वैल्यू है ये लेस देन 0 होगी तब, जब x की वैल्यू 1 to 2 के बीच में होगी। तो इसका मतलब 0 to 1 के बीच में तो ये बड़ा है और 1 to 2 के बीच में ये बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है अब हम एक चीज़ और इसमें मैं बता देता हूँ आपको, ये आप लिख के रख लेना फिर अब मैं बता रहा हूँ। देखो तो इसमें अगर हम कैपिटल एम आर लेना चाहते हैं, यानी कि सुप्रीमम वैल्यू हम कौन सी लेंगे, तो सुप्रीमम वैल्यू जब एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी तो सुप्रीमम वैल्यू होगी हमारी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब हम एक्स की वैल्यू ये तो ले रहे हैं हम 0 to 1 के बीच, जब हम एक्स की वैल्यू लेंगे 1 to 2 के बीच, ठीक है, तो सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, इसी तरह से यूज़ करना है हमें। ठीक है आप ये याद रखना। और अच्छा आप आगे चलते हैं, स्मॉल एम आर इन्फिमम वैल्यू कैसे लेंगे, जब एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी तब, जब एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी तब बात कर रहे हैं हम, तो इस इन्फिमम होगा हमारा जो इसमें सुप्रीमम था वो इन्फिमम हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, और जब एक्स की वैल्यू 1 to 2 के बीच में होगी, जब एक्स की वैल्यू 1 to 2 के बीच में होगी तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमने सुप्रीमम इन्फिमम लिख दिए हैं। अब मैं इसको मिटाता हूँ और मैं क्वेश्चन आपको जो ये अपर रिमांडिकल हमसे पूछ रहा है मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ कि अपर रिमांडिकल हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए तो अपर रिमांडिकल हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये बने रहिए आप। तो 0 to 2 अपर रिमांडिकल हम निकालना चाहते हैं एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम 0 to 1 और 1 to 2 दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब 0 to 1 जो है सुप्रीमम लेना, 0 to 1 सुप्रीमम क्या था एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, और 1 to 2 के बीच में सुप्रीमम क्या था हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे हैं। अब इनमें देखिए इनका इंटीग्रेशन कर लेना है बस आपको, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2, एक्स स्क्वेयर का एक्स क्यूब बाई 3, फिर इसकी लिमिट्स रख लेंगे हम 0 to 1
और एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स टू द पावर 4/4, लिमिट्स रख लेंगे फ्रॉम 1 to 2, और इनकी वैल्यू रखेंगे। और मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, आप जानते हैं इसको सोल्व भी कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/3, और ये 0 हो जाएगा। प्लस इसमें रखेंगे तो ये 2 2 4 2 8/3 प्लस 16/4 माइनस 1/3 और प्लस 1/4। जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 83/12। अब देखिए 83/12 कौन सा है, इसमें बी ऑप्शन हमारा ये आ रहा है स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से मैंने आपको निकालना बता दिया, अगर ये निकालने के लिए आता है तो ऐसे निकालेंगे, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्योंकि इसे दोनों अलग अलग फंक्शन दिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इफ़ एफ बी डिफाइन ऑन 0 1 एंड एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज रेशनल इक्वल टू -1 व्हेन एक्स इज रेशनल, तो इसको आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए ये मैं बता देता हूँ, एफ डिफाइंड है 0 1 पर, ठीक है स्टूडेंट्स, एफ जो है वो 0 1 पर डिफाइंड है। जब एफ 0 1 पर डिफाइन है और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर ये वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, ठीक है ना, अगर ये वैल्यूज़ एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज रेशनल एंड एफ एक्स इक्वल टू -1 व्हेन एक्स इज रेशनल, जब ये वैल्यू अलग अलग दी हुई हैं, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, शॉर्ट ट्रिक से अगर हम बताएं आपको, तो शॉर्ट ट्रिक तो आप जानते हैं, मैंने बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं एक बार कि अगर ये डिफरेंट वैल्यू हैं, अगर ये डिफरेंट वैल्यू हैं 1 एक्स इज रेशनल -1 एक्स इज रेशनल, अगर डिफरेंट वैल्यू हैं तो इसका मतलब है f, ठीक है, बाउंडेड तो है क्योंकि 1 और -1 है ना, f इज़ बाउंडेड एंड नॉट रिमान इंटीग्रेबल, नॉट रिमान इंटीग्रेबल है। ये बताया था ना कि अगर डिफरेंट वैल्यू तो नॉट, क्योंकि अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल सेम नहीं होंगे, तो इट इज़ नॉट रिमान इंटीग्रेबल और बाउंडेड है ये, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आप बता दो कि बाउंडेड क्यों है, क्योंकि वैल्यू 1 और -1 तो आ रही है ना फंक्शन की, तो इनके 1 और -1 के बीच में ही है फर्स्ट फंक्शन, 1 है और -1 है, इसके बीच में ही है, तो इसलिए इसको हम लिख देंगे कि ये। लेकिन अगर इसको आपको सोल्व करके देखना है, जो ट्रिक बता दी मैंने, अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर नए मेहमान हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं ना इसकी, तो मैं बता रहा हूँ इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर सोल्व करना सीखना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो सीखा जाए, तो इसमें देखिए हम किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो कोई भी अगर हम इसमें इंटरवल लेते हैं, इसके हम पार्टीशन बना लेंगे, तो जब पार्टीशन बनाएंगे, किसी भी पार्टीशन में स्मॉल एम आर की वैल्यू -1 होगी और कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या होगी +1 होगी, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, दोनों वैल्यू लेनी होती है हमें। और अगर हम इसमें एल पी एफ निकालते हैं, तो एल पी एफ हमारा क्या होगा, समेशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, और इसकी वैल्यू समेशन आर इक्वल टू 1 to n और -1, क्योंकि स्मॉल एम आर हमारा -1 है, ठीक है स्टूडेंट, सी ए हमारा -1 है, और डेल्टा एक्स आर, और डेल्टा एक्स आर जो है हमारा, ये हम इसमें डिफरेंस ले लेंगे 1 और 0 का यहाँ से, तो ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू जो है हमारी -1 आ जाएगी, लोअर रिमान सम। फिर हम अपर रिमान सम अगर निकालते हैं इसका, अपर रिमान सम समेशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर और डेल्टा एक्स आर, इसमें अपर रिमान सम निकाल लेंगे तो समेशन आर इक्वल टू 1 to n और कैपिटल एम आर, कैपिटल एम आर क्या होगा 1, और डेल्टा एक्स आर की वैल्यू क्या होगी 1, तो इस प्रकार से ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, अगर इसमें लोअर रिमान इंटीग्रल निकालना चाहते हैं हम, लोअर रिमान इंटीग्रल 0 से 1, अगर इसमें 0 से 1 लोअर रिमान इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं हम, और एल पी एफ, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी वैल्यू जो है क्या आ जाएगी हमारी -1।
और अपर रीमा इंटीग्रल निकालना चाहते हैं तो ये भी आप जानते हैं, इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू पी एफ, और ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंटीग्रल इक्वल नहीं है, एफ इज़ नॉट रिमान इंटीग्रेबल। ये मैंने वैसे ही बता दिया था आपको, निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। ये ट्रिक आपको अगर अच्छी लगी है ना, तो स्टूडेंट्स अपने साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे पहले मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।